तो गाइज मैगी बनाने के लिए यहाँ पर हमने दो हरी मिर्च ली है जिसको हमने काट लिया है। एक हमने बड़े साइज का लाल लाल टमाटर लिया है जिसको हमने बारीक छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लिया है। और यहाँ पर ली है हमने एक शिमला मिर्च, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। आपको बारीक ही काटना है, बड़े बड़े टुकड़े नहीं करने हैं। और यहाँ पर मैंने दो मैगी ली है, यानी कि दो पैकेट मैगी ली है, जो छोटे वाली मैगी आती है ना 5 रुपए वाली, वो मैगी मैंने दो पैकेट ली है। तो उसी क्वांटिटी के हिसाब से आप हर चीज़ देख लें कि मैंने कितनी ली है। सब्जियां आप चाहे तो मटर गाजर जो भी आपके यहाँ आती हो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ फ़िलहाल गाजर मटर नहीं आ रही है, तो मैं घर पर जो भी सब्ज़ी अवेलेबल है मैं उसी से मैगी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने एक भगोना लिया है, और यहाँ पर आप जो छोटू मोटू सा कांच का गिलास देख रहे हैं ना, ये 1 कप के बराबर है। तो मैं यहाँ पर पूरे 2 कप पानी डालने वाली हूँ, यानी कि कप आपको बिल्कुल फुल भरना है। मैगी में पानी की मात्रा ना तो कम रहनी चाहिए ना ही ज़्यादा, क्योंकि पानी ही होता है जो मैगी को एकदम परफेक्ट बनाता है। तो आप क्वांटिटी देख लीजिए, मैंने पूरे 2 कप भर करके मैं पानी लिया है। पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तब आपको इसमें डालना है कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई शिमला मिर्च, और हमने जो बारीक टमाटर काट के रखे थे इसी स्टेज पर हम टमाटर भी डालेंगे। यानी कि जितनी सब्जियां आपने काट के रखी हूँ आपको डालनी है। अगर आपने मटर ली है तो मटर थोड़ा आप पहले डाल दें, ताकि और सब्जियाँ तो जल्दी गल जाती हैं, मटर को थोड़ा टाइम लगता है, तो मटर को आप सबसे पहले डालें, फिर आप ये सारी सब्जियाँ इकट्ठे डाल दें। अब हम इसी स्टेज पर डालेंगे मसाले। तो पहले तो हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। याद रखिए जो मैगी का टेस्ट मेकर आता है उसमें भी नमक रहता है, नमक हम थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हम यहाँ पर सब्जियाँ ऐड कर रहे हैं तो नमक कम ना रह जाए। अब हम यहाँ पर लाल पिसी हुई मिर्च डालेंगे 1/2 चम्मच, ताकि मैगी जो है हमारी बहुत ही स्पाइसी बने। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखापन पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पर लाल मिर्च ना डालें, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर हरी मिर्च डाली हुई है। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं मैगी को ट्विस्ट देने के लिए, मैगी का टेस्ट बढ़ाने के लिए 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। आप कह रहे होंगे पाव भाजी मसाला, तो हाँ फ्रेंड्स, पाव भाजी मसाला से आपकी मैगी में आएगा एकदम नया ही टेस्ट। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं और इसको मैं 2 मिनट तक पकने दूंगी। 2 मिनट में आपकी जो सब्जियां हैं, टमाटर बिल्कुल गल जाएगा और जो शिमला मिर्च है वो हल्की क्रंची हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से सब्जी नहीं गलानी है। अगर सब्जियां ज़्यादा गल जाएंगी तो मैगी का उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। अब थोड़ा सा हम चम्मच की मदद से इसको मसल देते हैं, ताकि जो टमाटर गले हुए हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं। इससे टमाटर का जो खट्टापन है, जो टेस्ट है, बहुत अच्छे से मैगी में आएगा। अब हम इसमें डालेंगे मैगी। तो यहाँ पर मैगी को मैं 2 टुकड़े करके डाल दूंगी, और जो थोड़ी सी बारीक टुकड़े थे वो भी मैं डाल देती हूँ। अब मैं प्लेट से इसको फिर से ढक दूंगी बिल्कुल 1 मिनट तक, आधे ही मिनट तक कह लीजिए। इससे जो नीचे की मैगी है वो थोड़ा नरम हो जाएगी। तो 1/2 मिनट बाद हम फिर से चेक कर लेते हैं, वो मैगी जो है नरम हो गई है। तो हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पलट भी देंगे। तो इसको आप चम्मच से दबाते हुए, ताकि जो मैगी है आपस में चिपकी ना रहे, थोड़ा अलग अलग हो जाए, तो हम इसको अलग कर लेते हैं। अब हमने जो टेस्ट मेकर लिए थे 2 पैकेट, उनको भी हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। तो आप पानी देख सकते हैं कितना परफेक्ट है। अगर ज़्यादा पानी होता है ना तो मैगी एकदम सीधी हो जाती है, और जब तक मैगी हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी ना रहे ना, खाने में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर हम टेस्ट मेकर डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब आपको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, आपको बिल्कुल 10 से 15 सेकंड ही चलाना पड़ेगा, और इसका जो पानी है वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मैगी को बहुत ज़्यादा ड्राई ना बनाए, हल्का सा उसमें रस जो है रहना चाहिए, इससे अच्छा लगता है मैगी का टेस्ट। बहुत से लोग एकदम ड्राई कर लेते हैं तो वो सूखी हो जाती है और आपस में चिपक जाती है, सो अलग। तो आप देख सकते हैं गाइस कि मैगी जो है परफेक्टली बन चुकी है। तो थोड़ा सा हम इसको और चला लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है हल्का सा पानी अभी है इसमें। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैगी बहुत अच्छी बिल्कुल स्पाइसी मैगी बन करके तैयार हो गई है, ये देखिए। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। बहुत अच्छी मैगी बनी है।
तो ये देखिए हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है, तो ये खाने के लिए है बिल्कुल तैयार। तो आप देख सकते हैं हमने बिना ऑयल की, कोई कह सकता है ये हमने बिना ऑयल की बनाई है, इसमें सारी सब्जियां भी हैं और ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं है। तो ये बहुत ही हेल्दी मैगी और झटपट से बन जाती है। बहुत से लोग सब्जी डालने की इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि उनको ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है, पूरा तामझाम करना पड़ता है। तो ये आपके एक ही भगोने में बन करके तैयार भी हो गई है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो चलिए अब मैं इसको आपको टेस्ट करके बताती हूँ। वाओ यमी, बहुत ही टेस्टी बनी है। एक बार फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर बना करके देखिए, मेरे कहने पर यकीन मानिए कि आप एक बार इसको इस तरह से बना लेंगे मैगी को, तो आप हर तरीके भूल जाएंगे और परमानेंटली आप इसी तरीके से मैगी बना